फतेहपुर में थाना के बाद सांड बढ़ो, अखबार में भी आई, थाना परिसर में बेल घुसा। जना मैं तुम्हें 5-6 दिन पे रतनगढ़ कवि सम्मेलन में गयो था यार, आप जता विधिवत माला नहीं पढ़ाते बता घर परिवार की बताओ आप। जब 5-6 दिन पे रतनगढ़ कवि सम्मेलन में गयो था, संजोग सब सियाई साहब दोस्ती है, कई वर्षा से कवि सम्मेलन में आवे नाम साहब के मिल भी आवार बने कवि सम्मेलन में उनको भी दिया हूं, वह भी कविता लिखा करे ना। मैं 5-1 बजे बाकर शाम की पूछ को मैं साहब अखबार में मैं तो आप डिगा अपना थाना में सांड पड़ गो भी मेरे से उड़ी बात करे बोले बुड़को तो बुड़को थारे की अजक है ना। मैं साहब आपका थाना में ही सांड किया बुड़को तो ऑलरेडी थे हो वह बोलो थे कवि हो सरकेड़ा थारा जीत सुनिया करो। मैं नदी ने ये कहा पर्वत ने कहा सागर शेरिया तो थे नदी बाटो सागर पर्वत मिनक जानवर सबसे बतला लियो थे तो वो लेरा ने मैदान में बैठे थे जार बुझे हो किया गुस्सो अति देर मचाए मंगाऊ ना। मैं साहब भी ठाडा उड़ जाए ना भैया ना। मैं बुझवा को बानो कर गए और 5-7 मिनट ने पाछो आयो आर बन ने आता ही बुझे बोले वो के बतायो ना। मैं मैंने बताई बमन दो बार फोन कर लियो बोले यार कल ठीक है को। जब बमन आता ही बुझे बोले हरीश उस बेल ने क्या कहा। मैं साहब वो तो बहुत शुद्ध सांड है वो बोलो जी मैं तो चुपचाप अपने रस्ते जा रहा था, मेरा तो कोई मतलब ही नहीं था थाने में आने का, पर मैंने तो वो रतनगढ़ चौराहे पे ही सुना कि यहाँ की पुलिस तो बिल्कुल गऊ है।